अगर अभी के समय में आपको ब्लॉगिंग में सफलता पानी है तो आपको हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना सीखना पड़ेगा। और आज मैं आपको बताऊंगा कि स्मार्ट वर्क करते कैसे हैं, और दूसरी बात आज आपको 7 ऐसे कीवर्ड्स बताऊंगा जिसके ऊपर रैंक करना बहुत आसान है और जिसके ऊपर ट्रैफिक भर भर के आ रहा है। ये मेरी नई वेबसाइट है, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, सर्च कंसोल का डेटा। ये मेरी नई वेबसाइट है और मैं 3 मंथ्स अभी इसका डेटा दिखा रहा हूँ। देखिए कैसे बिल्कुल ग्राफ 0 पर था, बिल्कुल कम पर था, और कैसे अचानक से स्काई रॉकेट किया आपने देखा, ठीक है। और अभी मैं ट्रैफिक भी दिखाता हूँ कितना आ रहा था और अभी कितना आ रहा है, तो अभी इसमें दिखाता हूँ आपको। देखिए पहले जो ट्रैफिक था वो 94, 100 इस तरीके से था, उसके बाद देखिए अचानक से यहाँ पर 200, 500, फिर सीधा 800, 800 इस तरीके से था, 1400, फिर 3700, देख सकते हैं 4000 के करीब ट्रैफिक। आपको मैं आज सिर्फ यही नहीं बताऊंगा कि कैसे ट्रैफिक लाएं, बल्कि ये भी बताऊंगा कि कौन से कीवर्ड्स पे मैं रैंक कर रहा हूँ, कौन से कीवर्ड्स पे आप लिख सकते हैं, इसमें आसानी से रैंक कर सकते हैं। देख सकते हैं डिस्कवर भी ऑन हो गया है, और ये भी बताऊंगा कि आप अर्निंग कैसे करें, ठीक है। सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, अर्निंग भी दिखाऊंगा इसकी, कितनी अर्निंग हुई, पहले कितनी हो रही थी, अभी कितनी हुई और अभी कितनी अर्निंग हो रही है, सब चीज़ दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हो सके तो सपोर्ट करिएगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको कीवर्ड्स दिखाता हूँ। तो जो सबसे पहला कीवर्ड है वो 7 Star HD है, ठीक है। और अभी यहीं पर मत रुकिएगा, अभी आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, और अभी मैं कीवर्ड्स भी दिखाऊंगा जिसपे मैं रैंक कर रहा हूँ। तो 7 Star HD है, सबसे पहले आप इसका देखिए 1.8 मिलियन का ट्रैफिक है, KD4 है, बाकी और भी आप नीचे ऐसा करके देख सकते हैं। और ये RF का फ्री कीवर्ड जनरेटर है, आप फ्री में यहाँ पे आके जो है कीवर्ड चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको अपनी वेबसाइट पर लेके चलता हूँ जिसका मैं डेटा दिखा रहा था। तो ये रही वो वेबसाइट जिसका मैं डेटा दिखा रहा था, और इसको मैं फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि किसी प्रकार का संशय मन में ना रहे, ठीक है। फिर से मैं रिफ्रेश कर देता हूँ इसको, और चलिए नीचे चलते हैं। और पोजीशन में आप इसलिए नहीं दिखाऊंगा क्योंकि उससे आपको वेबसाइट का आइडिया हो जाएगा, इसलिए मैं तो वेबसाइट का आइडिया नहीं दिखाना चाहता आपको। चलिए अब इसको मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए कौन सा कीवर्ड रैंक कर, आप देख सकते हैं 7 Star HD जो मैंने आपको वहाँ पर दिखाया। जो भी मैंने अपने पहले के वीडियोज़ में जो कीवर्ड्स दिखा रखे हैं उसके ऊपर मैं रैंक करता हूँ, तभी मैं आपको जो है वीडियो बना के दिखाता हूँ। कुछ पर मैं नहीं रैंक करता, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे अर्निंग नहीं कर रहा। अर्निंग करने के बहुत सारे माध्यम होते हैं, सिर्फ एडसेंस नहीं होता या फिर ट्रैफिक नहीं होता गूगल से, और भी आप ट्रैफिक जगह जगह से ला सकते हैं, जैसे कि पोस्ट नोटिफिकेशन ये सब होता है, तो ये सब भी आपको बताऊँगा, ठीक है। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखा करिए, बहुत कुछ सीख कर जाएंगे, बहुत कुछ समझ कर जाएंगे। 7 Star HD और यो मूवीज़ आप सामने सामने देख सकते हैं, देखिए कितना कितना क्लिक्स आ रहा है, सिर्फ 3 मंथ्स का डेटा है ये। और मेरी ये मूवीज से रिलेटेड और भी वेबसाइट है जिसके ऊपर अच्छी खासी ट्रैफिक आती है, बट मैं वो अभी आपको नहीं दिखाऊंगा, अभी आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि कैसे नई वेबसाइट पर भी ट्रैफिक आसानी से लाया जा सकता है। चलिए अब मैं आपको और कीवर्ड्स दिखाता हूँ, और अभी आपको ये भी बताऊंगा कि लिखना कैसे है, लिखने का तरीका क्या है, और एक तरीके से कॉपी पेस्ट निश में आ जाता है, कॉपी पेस्ट करके इसे लिखा जाता है, इसका तरीका होता है वो आपको बताऊँगा, ठीक है। चलिए मैं दूसरा कीवर्ड दिखाता हूँ आपको। दूसरा कीवर्ड आप देख सकते हैं वीगा मूवीज़ है, इसके ऊपर भी आसानी से ट्रैफिक आ रहा है, बहुत ट्रैफिक आ रहा है इसके ऊपर। और एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप 2000 वर्ड की पोस्ट लिख रहे हैं इसके ऊपर, जो कि लिख सकते हैं कॉपी पेस्ट करके ही लगभग होता है, हालांकि ChatGPT का इस्तेमाल करके आप इसको थोड़ा वो कर सकते हैं। मैंने 2 वीडियो पहले जब मैंने फ्री USA वाला कीवर्ड आप ही लोगों को देख सकते हैं, USA कीवर्ड वाला जो मैंने बताया था, इसमें आप देख सकते हैं जाके मैंने इसमें बताया कैसे आप ChatGPT का इस्तेमाल करके आर्टिकल लिख सकते हैं, तो इस वाले वीडियो में आपको वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के बाद ये वाला वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको सारा कुछ समझ में आ जाए कि आपको आर्टिकल लिखना कैसे, सब चीज़ बताया उसमें, डिस्क्लेमर सब कैसे लिखते हैं, और आपको एक ट्रिक दिया है लास्ट में जिससे आप समझ में आ जाएगा आपको कि लिखना कैसे है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आपको नीचे तक कीवर्ड्स दिख रहे होंगे, ये सारे कीवर्ड्स आपको इंक्लूड करने होते हैं अलग अलग तरीके से। ये सब जब कीवर्ड्स आप इंक्लूड करेंगे तभी आपका रैंकिंग होता है, और इस कीवर्ड्स में से किसी भी एक में आपका चल जाता है वेबसाइट, उसके बाद फिर सारे कीवर्ड पर रैंक करने लगता है, तो इस तरीके से ट्रैफिक आता है। अब मैं तीसरा कीवर्ड आपको बताता हूँ, तीसरा कीवर्ड है बॉलीफ्लिक्स। तो बॉलीफ्लिक्स कीवर्ड पे रैंक करना ज़्यादा आसान है और के मुकाबले, 7 Star HD सही है, बट इसके ऊपर भी रैंक करना ज़्यादा आसान है, इसके ऊपर बहुत ट्रैफिक आता है भर भर के, इसका आप इस्तेमाल करिए। तो ये तीसरा कीवर्ड हो गया। अभी इसमें एक और बात बताया था आपको, आप इसमें कीवर्ड इंटेंट की भी हेल्प ले सकते हैं, keywordintent.io भी एक अच्छा है, इसके ऊपर बिल्कुल बढ़िया जानकारी मिलती है, इस पर भी ले सकते हैं, यही फ्री का है, ठीक है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वहाँ पर भी आप टाइप करके देख सकते हैं, बाकी RF भी फ्री है, और सैमरस जो सैमरस वो फ्री नहीं है, फ्री में आपको ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं मिलती। अभी जैसे RF में क्या है कि 10 कीवर्ड्स मिल रहे हैं आपको, बट यहाँ पर इन सब कीवर्ड्स को टारगेट करना इंपॉर्टेंट होता है सर्च वॉल्यूम के साथ। तो मैं क्या करूँगा कि जो सैमरस वाला है वो फ्री में आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है
जो मेरा टेलीग्राम चैनल है एनके टेक गाइड, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी आपको, आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री में सब कुछ वहाँ मिल जाएगा, सेमरेस का डिटेल भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, जो आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे। चलिए अब हम चौथे कीवर्ड्स पे चलते हैं। तो चौथा कीवर्ड है, उसका नाम है मूवीज़ वेब। मूवीज़ वेब आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, वैसे तो हंड्रेड्स ऑफ कीवर्ड है जो ये वाला है, जो मूवीज़ वेब इस तरीके से आप देखेंगे तो हंड्रेड्स ऑफ कीवर्ड्स आपको दिख जाएंगे जो अल्टरनेटिव फॉर्म में काम करते हैं, पर ये जो सात कीवर्ड है इसी के ऊपर ट्रैफिक अच्छा आ रहा है, क्योंकि इन सातों पर मैंने काम किया, इसलिए अभी मैंने सेवन स्टार एसडी का आपको एग्जांपल दिखाया। अभी मैं और का एग्जांपल इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि और भी इसमें कीवर्ड्स इंक्लूडेड है, बट ये सातों रैंक करने बहुत आसान है, इसके ऊपर आप रैंक करके अभी जो है रैंक कर सकते हैं, बिल्कुल अभी आप लिखेंगे और एक आध दिन में रैंक कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर कोई उतना वर्क नहीं कर रहा है, बहुत छोटी साइट्स रैंक कर रही हैं। देख सकते हैं इसका 15,000 20,000 बिल्कुल जीरो केडी है और अच्छा खासा इसका सर्च वॉल्यूम सब चीज़ है। और अब मैं आपको पांचवा बता देता हूँ, जो पांचवा कीवर्ड, सात कीवर्ड्स आपको बताने वाला हूँ, इसमें से पांचवा जो कीवर्ड है इसका नाम फिल्मी ज़िला, ये बहुत ज़बरदस्त कीवर्ड है, 6.1 मिलियन, इसके ऊपर ट्रैफिक हद से ज़्यादा है, इसके ऊपर रैंक करना थोड़ा मुश्किल है, बट इसके ऊपर अगर आप रैंक कर गए तो बहुत ट्रैफिक आ सकता है, इसके ऊपर ट्रैफिक ही ट्रैफिक है इस वाले के ऊपर। और जो भी नई मूवीज़ ये सब आती हैं उसको लोग उसके आगे इसका नाम टाइप करके ही लोग सर्च करते हैं, तो इसकी इतनी पावरफुल वो है, तो इसलिए इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। छठा कीवर्ड जानने से पहले मैं आपको टेलीग्राम चैनल का अपना बता देता हूँ, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है फ्री वाला, यहाँ पर जो भी लोग जो है सर्च करने में उनको दिक्कत होती है, आपको ये सर्च करना है नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी देख सकते हैं, यहाँ पर मैं बहुत सारी जानकारी देता हूँ, जैसे कि अपना रियल टाइम ट्रैफिक और अपने वेबसाइट की बहुत सारी डिटेल्स जो अन्य वेबसाइट है, और बाकी यहाँ पर मैं आपको लिंक भी शेयर करता हूँ कि आप कौन सा वीडियो देखें और कौन सा वीडियो देख के आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और ये मेरा इंस्टाग्राम है, इसको भी जरूर फॉलो कर लीजिएगा, इसके ऊपर भी मैं कीवर्ड्स वगैरह की जानकारी डालता रहता हूँ और कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी डालता हूँ जो मेरा यूट्यूब वगैरह से रिलेटेड होता है, तो आप मेरे को आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लोग यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं मेरे से और मैं उसका आंसर करता हूँ, ठीक है। और चलिए छठे कीवर्ड की ओर चलते हैं, इसके ऊपर भी बहुत अच्छा ट्रैफिक आ रहा है, हालांकि इसको पर रैंक करना मुश्किल है, इसलिए मैं छठे नंबर पर रखा है, जितने ही बाद में मैंने रखे उसको रैंक करना मुश्किल है, जो पहले रखा उसको रैंक करना आसान है। इसके ऊपर देख सकते हैं सब पे जो है 6-6 है, साथ साथ इस तरीके से केडी है, बट जीरो किसी में नहीं है, तो ये थोड़ा सा रैंक करना मुश्किल है, बट इसके ऊपर भी आप कर सकते हैं अगर ठीक से आप काम करें और एक सही तरीके से जो है वो करें तो। और मैंने पहले वाली वीडियो में बता रखा है कैसे रैंक किया जाता है, कैसे आप अपने अथॉरिटी बिल्ड कर सकते हैं और कैसे आप अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं कीवर्ड्स पे, तो ये मैंने बता रखा है, 5 US से कीवर्ड वाला ज़रूर देखिएगा। चलिए सातवां और आखिरी कीवर्ड देखते हैं, और उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कॉमेंट करके अपने विचार जरूर बताइएगा, और ये सब भी कि आप क्या आगे चाहते हैं वीडियो में, ठीक है, ये सब ज़रूर बताइएगा। चलिए सातवें कीवर्ड की ओर चलते हैं, सातवां कीवर्ड का नाम है कोटी मूवीज़, इसका देख सकते हैं बिल्कुल 0-0 केडी दिखा रहा है, बट रैंक करना मुश्किल है, इसके ऊपर भी आप लिख सकते हैं और इसके ऊपर आपको बहुत सारी कीवर्ड्स तो मिल ही आते हैं रैंक करने के लिए, बट इसके अंदर आपको थोड़ा सा टेबल एबल ज़्यादा डालना पड़ेगा, डिटेल ज़्यादा डालनी पड़ेगी, क्योंकि इसके ऊपर जो वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।